my channel Soumya's Life. Hope you all are doing good. And again, I am back with a video, which is a requested video, जो कि है मेरी wardrobe organization के ऊपर. तो काफी सारी मुझे request आई थी कि आप आपकी wardrobe के organization के ऊपर एक videos बनाओ. So as you all know कि मैं एक 1 BHK rented apartment में रहती हूँ, so मेरे पास काफी limited space है. तो that's why मैं हमेशा try करती हूँ कि मेरे पास मतलब जितनी भी space है उसी में ही मेरी जितनी भी कपड़ा है मैं अच्छे से उसको organize करके रखूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा भी रख पाऊँ और अच्छे से organize भी रहे मेरी wardrobe. And second thing, अगर आपकी वार्डरोब जो है उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हो तो आपको आपके मतलब कपड़े भी मिलने में भी बहुत आसानी होती है. तो आप कहीं पर अगर जा रहे हो तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो मन है आप इजीली पिक करके पहन सकते हो. और ऑब्वियसली आपकी वार्डरोब भी मेस फ्री रहती है, तो जो कि दिखने में भी काफी डिसेंट लगती है. और मैं वैसे भी एक मेस फ्री पर्सन हूँ, मुझे काफी मतलब पर्सनली मुझे मेस फैला हुआ वार्डरोब या कुछ भी अच्छी नहीं लगती है हमेशा. मैं जैसे यूजुअली आप लोग मुझे जानते हो ब्लॉग के थ्रू भी, तो मुझे थोड़ा क्लीन नीट एंड क्लीन सब कुछ डिसेंट वे में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज चाहिए ही होती है. तो दैट्स व्हाई मैं मुझसे जितनी हो पाती है मैं ट्राई करती हूँ सबको मतलब मेरी कपड़ा हो ज्वेलरी वगैरह हो मैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखने की ट्राई करती हूँ. सो बस तो वही शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ कि मैं कैसे रखती हूँ. बट होप कि आप लोग के लिए ये जो वीडियो हेल्पफुल भी रहे, आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल जाए. तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो, वार्डरोब फॉर्मेशन टूल. वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है और इस तरह की वीडियोज अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब की बाजू में जो टिंग 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 वाला बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालू उसका जो नोटिफिकेशन है इंस्टेंटली आपको मिल पाए. और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो मतलब किसी भी रीजन से अच्छी लगे तो बिना लाइक के प्लीज मत जाना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना. मेरे जो वार्डरोब है तो ये 4 सेक्शन पे डिवाइड है. तो जैसे कि आप देख सकते हो पहला एक छोटा सा यहाँ पर सेक्शन है, देन उसके नीचे यहाँ पर एक काफी बड़ा सा सेक्शन है, और उसके नीचे यहाँ पर 2 ड्रॉर्स भी मतलब दे रखे है उन्होंने, और उसके नीचे भी 2 छोटा छोटा सा यहाँ पर 2 सेक्शन है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरी वार्डरोब की जो टॉप सेक्शन है वहां से. हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो सामान मुझे कम यूज हो, जैसे कि मेरी जो बैग्स होती है तो वो मुझे रेगुलर बेसिस पे कोई जरूरत ही नहीं होती है. और जो आप 2 व्हाइट कलर की बास्केट देख रहे हो यहाँ पर, तो उसमें मेरी जितने भी मेकअप की और स्किन केयर की सामान होती है वो है, जो कि मैं कभी कभार या फिर वीकली यूज करती हूँ. तो ये सारी चीजें मुझे ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे जरूरत नहीं पड़ती. और मेरे पास बहुत भी बैग की कलेक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ 5-6 ही है, और जो भी कुछ था मैं घर पे छोड़ के आ गई हूँ. और यहाँ पर 2 मेरी जो बॉक्सेस है इसमें जैसे कि मैंने बोला मेकअप की सामान है, तो मैं दिखा देती हूँ वो भी आपको. तो ये मेरी जो मेकअप की जितनी भी सामान है वो सब है इसमें, और उसकी साइड में भी जो और एक बॉक्सेस है उसमें मेरी जो स्किन केयर की जैसे कि फेस मास्क हो गया, नेल रिमूवर, और कुछ मेरी क्रीम्स जो अभी मतलब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ बट मेरे पास है वैसा ही, कुछ सीट मास्क और एक्स्ट्रा जो भी सामान होती है जो कि मुझे मतलब कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी वो सब सामान यूजअली मैं यहाँ पर रखती हूँ. तो मुझे काफ़ी टाइम्स ये भी कमेंट्स आती है कि आपने ये मतलब जो बॉक्सेस हो या जो ऑर्गेनाइजर्स हो तो आपने वो कहाँ से लिया है, तो ये मैं बोल देती हूँ. तो ये मैंने डीमार्ट से लिया था, और अगर मुझे कुछ इस टाइप की ऑनलाइन मिल जाएगी तो उसकी भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अभी हम जाएंगे इसकी नीचे वाली सेक्शन में. तो ये जो सेक्शन है आप देख सकते हो इसमें मोस्टली मेरी जितनी भी मेरी जो इंडियन वेयर है मतलब एथनिक वेयर है, कुर्तीज हो गया, लॉन्ग ड्रेसेस हो गया, मोस्टली वही सब मैं रखती हूँ. क्योंकि यूजुअली वैसे भी इंडियन वेयर जो होती है मैं वो कम ही पहनती हूँ, तो जब भी मुझे अगर मैं अंदर कहीं पर रख दूंगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगी मेरे पास क्या क्या मतलब कुर्तीज है, मुझे क्या पहननी है क्या नहीं, तो इसलिए मैं मोस्टली इसको सामने में ही रखती हूँ. और मैं अगर चाहती तो मैं यहाँ पर मेरी जितनी भी टॉप्स है उसको भी हैंग करके रख सकती थी, पर उसे ये होता कि जो मेरी यहाँ पर जो नीचे जो स्पेस मुझे मिल रही है जिसपे मैंने यहाँ पर और भी ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है, तो मुझे वो स्पेस नहीं मिल पाती. तो बेटर है कि मेरी जो कुर्ती है वैसे भी फोल्ड होके रह रहा है इजीली, तो ये स्पेस भी नीचे का मेरा वो यूटिलाइज हो रहा है. और हम लोगों की जितनी भी टॉप्स वगैरह होती है वो बहुत छोटा छोटा होती है, तो एक बॉक्स के अंदर रखती हूँ तो बहुत सारी टॉप्स भी मेरी आ जाती है. बट अगर कुर्तीज को मैं बॉक्स के अंदर रखूँगी तो वो बहुत स्पेस ले लेती है, तो बेटर है सामने भी रह रही है. और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक एक हैंगर पे 2-3 कुर्ती रखी हुई हैं, उससे फ़ायदा आपको यह मिलेगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैंगर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और यहाँ पर साइड में मेरी एक जैकेट है और ये मेरी एक स्वेटर है. तो जैसे कि आप पता मतलब आपको पता ही है कि बैंगलोर पे थोड़ा मतलब ऑब्वियसली
मतलब क्लाउडी और कोल्ड सी वेदर है, तो हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो एक जैकेट या स्वेटर कुछ भी वो डाल के जाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सामने एक स्वेटर भी मेरी रखी हुई है। तो अभी हम आएंगे इसके नीचे वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर देख सकते हो आप मेरी लेफ्ट साइड में दो बॉक्सेस है, उसके सामने भी दो बॉक्सेस है, और राइट साइड में एक ऑर्गेनाइजर है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फ्रंट में आप दो बॉक्सेस देख रहे हो, ये मेरी इनर वेयर की है। तो मेरी जितनी भी इनर वेयर होती है मैं डिवाइड करके ये दो सेक्शन में रखती हूँ, और इस तरह से रखने से मतलब आपकी जो वार्डरोब है वो काफी मेस फ्री भी रहती है, और आपको इजिली वो मिल भी जाएगी, और आपकी जितनी भी मतलब ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगी, और बहुत कम स्पेस में भी, और ये एक के ऊपर एक भी रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने जितनी भी मेरी इनर वेयर है ये दो सेक्शन में डिवाइड करके मैं इस तरह से ही रखती हूँ। देन हम चलते हैं इस पीछे वाली सेक्शन में। तो यहाँ पर है दो बॉक्सेस है, मेरे स्टोरेज बॉक्सेस है, जो कि फैब्रिक का बना हुआ बॉक्सेस है, और ये मैंने रिसेंटली अमेजन से लिया है, और जो कि मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था, और ये बॉक्सेस भी मतलब काफी अच्छी है। आपको ये भी लेना होगा तो मैं इसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये जो दो बॉक्सेस आप देख रहे हो, तो एक बॉक्सेस में मेरी जितनी भी मतलब जीन्स और पैंट्स वगैरह होती है वो सब मैंने रखा हुआ है, और इसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है ताकि मैं जब भी जो भी इजिली मैं निकाल सकती हूँ, और ये ज्यादा स्पेस भी ना ले। तो इस तरह से रखने से आपकी वार्डरोब जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होकर रहता है, और आपकी स्पेस भी ज्यादा ये सब चीजें नहीं लेती है। और यहाँ पर साइड में मेरी दो स्वेटर्स है जो कि अभी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं हो रही है, तो इसमें भी मैंने वो भी डाल के रख दिया है। और ये जो दूसरी बॉक्स है इसमें मेरी जितनी भी टॉप्स होती है मतलब बाहर पहनने वाली वो सब मैंने इसमें रखी हुई है फोल्ड करके, तो ये काफी वैसे कम स्पेस ले रहा है, और इसमें लगभग मेरी 15 से 20 टॉप आ गई है, इजिली आप देख सकते हो। तो ये काफी स्पेस सेविंग और बहुत इजीली मुझे जब भी मैं मुझे जो वाला निकालना होता है तो मैं उसमें से निकाल सकती हूँ। और इस तरह से मतलब बॉक्स में रखने की बेनिफिट ये है, आप देख सकते हो कितनी कम स्पेस में ये आ गया, और एक के ऊपर एक बॉक्स में टक करके रख रही हूँ, तो और भी मेरी काफी सारी स्पेस जो है वो भी बच गई, और मुझे जो भी मतलब सामान है वो मेरी काफी ऑर्गेनाइज और प्रॉपर वे में वो भी अच्छे से रह गया। देन इसकी जो राइट वाली साइड में यहाँ पर जो एक आप ऑर्गेनाइजर देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है, मतलब 6 सेक्शन है, तो जितना भी सामान है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके रहता है इसमें। और इसमें मेरी मतलब जितनी भी हैंकीज होती है और फेस टॉवल होती है, हैंड टॉवल्स होती है, वो सब मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और ये जो ऑर्गेनाइजर था ये मैंने आइकिया से लिया था, सेम अगर ये और कुछ इस टाइप का अगर जो भी ऑनलाइन पर अभी अवेलेबल होगा मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो इजिली। तो ये जो सेक्शन है उसके नीचे यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला दो ड्रॉर्स दे रखे उन्होंने, एक लॉक वाला एक विदाउट लॉक वाला। तो जो लॉक वाला है तो इसमें मैं नॉर्मली मेरी जो भी जितनी कार्ड्स और ज्वेलरी जो भी गोल्ड की सिल्वर की वो सब मेरा जो मतलब थोड़ा पर्सनल सामान है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योर चाहिए जिसको, वो सब मैं इसमें रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके अच्छे से। और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में और जो एक ड्रॉ है इसमें मेरी मोस्टली जो जितनी भी मेरी चूड़ा वगैरह है और मेरी जितनी भी नेल पेंट है और छोटा 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 मोटा सामान जो भी है, यहाँ पर मेरी जो दो बेल्ट्स है इस तरह से मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये भी जो आप देख सकते हो जिसमें मैंने चूड़ी रखा हुआ है ये भी मेरी एक DIY है, तो इसको ये एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स था तो उससे मैंने ये DIY करके बनाया था। और सेम इसी तरह ये इसमें मैं नेल पेंट रखी हूँ, तो ये भी मेरी एक फ़ोन की बॉक्स है तो इसको भी मैंने यूज कर लिया है, पुराना फोन की बॉक्स था तो इसमें मेरी जितनी भी नेल पेंट्स है वो सब नेल रिलेटेड सामान जैसे कि नेल कटर और जो नेल फाइलर है वो सब मैं इसमें रखी हुई है। इस तरह से रखने से आपकी मतलब आप देख सकते हो छोटा सा ड्रॉ में कितना सारा भी सामान भी आ गया है। तो अभी हम जाएंगे इसकी नीचे वाली सेक्शन पे। तो यहाँ पर भी मेरी दो बॉक्सेस है वो रखी हुई है, और ये जो लेफ्ट साइड में मैरून कलर की बॉक्स आप देख रहे हो इसमें मेरी जितनी भी कुर्तीज है उस सब की जो मैचिंग लेगिंग्स है इसमें मैंने रखा हुआ है, और साथ ही साथ कुछ दुपट्टास भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफी सारी लेगिंग्स आ गई है, और ये सबको ऐसे अगर आप एक के ऊपर एक रखूँ तो बहुत कम ही लेगिंग्स आएगी, और इस तरह से अगर आप फोल्ड करके यहाँ पर एक के साइड में एक रखोगे तो काफी सारी जो लेगिंग्स होती है इजीली इसमें आ जाती है। और ये भी जो बॉक्स है ये भी मैंने अगेन डीमार्ट से ही लिया था, और उसकी मतलब बीच वाली सेक्शन पे यहाँ पर कुछ मेरी जो लॉन्ग ड्रेसेस है और यूजुअली ये सब मैं घर में पहनती हूँ तो इसको मैंने वैसे ही रखा है सामने, इसको कोई बॉक्स मैंने यूज नहीं किया है। और उसकी राइट साइड में ये और एक बॉक्स है तो इसमें मेरी मतलब जितनी भी डेली यूज की टॉप्सेस है मतलब जो कि लोकल में कहीं जाती हूँ या फिर मैं घर पे भी इसमें से कुछ आधी यूज कर लेती हूँ वो सब मैंने इसमें रखी हुई है।
और अगर आप चाहते हो तो इस तरह से इसमें भी बॉक्स में एक के ऊपर एक टक करके रख सकते हो, तरह से आपके और भी मतलब आपको स्पेस मिल जाएगी और बॉक्सेस रखने के लिए। देन हम आएंगे इसकी नीचे वाली सेक्शन में जो कि है मेरा बिल्कुल लास्ट वाला सेक्शन। तो इसमें भी उसी तरह से मैंने दो बॉक्सेस रखा हुआ है, क्योंकि नीचे वाली सेल्फ में अगर आप बॉक्सेस रखते हो तो वो काफी ईजी भी होती है निकालने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कपड़ा रखोगे और ऐसे ढूंढते रहोगे ना तो कपड़ा मैंने नोटिस किया है कुछ भी नहीं मिलती है, सब पीछे पीछे और नीचे नीचे रह जाती है। तो अगर ऊपर तो अगर नहीं भी रख रहे हो आप ऑर्गेनाइजर वगैरह चलेगा, बट नीचे में तो डेफिनेटली रखना ही रखना। ये जो बॉक्स है ये मैंने आईकिया से लिया था और ये काफी बड़ा सा बॉक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मेरी जितनी भी मोस्टली मेरी जितनी भी विंटर वेयर है और कुछ बहुत जो कुशन कवर वगैरह है वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है। बैग है वो एक जिप वाला बैग है, काफी बड़ा सा बैग है, क्योंकि उसकी बीच में और एक बॉक्सेस रखने के लिए वो नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें एक बैग रखा हुआ है। और उस बैग के अंदर मेरी जितनी भी मोस्टली जो पार्टी वेयर होती है इंडियन वेयर हैवी वाला है जो कि मैं बहुत रेयरली कभी कभार पहनती हूँ, वो सब उसमें रखी हुई है। उसकी लेफ्ट साइड में जो एक ऑरेंज कलर की बॉक्स देख रहे हो, इसमें मेरी जितनी भी डेली वेयर होती है वो सब मैंने इसमें, मेरे जितने भी टॉप्स और एक साइड में मेरी जितनी शॉर्ट्स और पैंट्स वगैरह है वो सब मैंने रखा हुआ है, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे जो मेरे नाइट सूट और ट्राउजर होती है वो सब मैंने रखा हुआ है। और ये बॉक्स है तो मुझे जब भी मन करता है मैं इसको इजीली निकाल के बेड के ऊपर रख के भी मतलब जो मुझे निकालना होगा वो निकाल सकती हूँ, बट अगर बॉक्स नहीं होता तो मुझे काफी प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पर ढूंढने के लिए, तो इसीलिए ये मुझे काफी, ये तो मेरा मतलब बहुत हेल्पफुल वाला यूजेबल बॉक्स है मेरे लिए। सो बेसिकली आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने पूरी वार्डरोब के ऑर्गेनाइजेशन में एक ही रूल्स फॉलो किया है, जो कि मतलब मैंने जहां पर जो सामान रखा है उसके साथ और कुछ मिक्सअप नहीं किया है। तो जहां पर मेरी टॉप्स है वहां पर सिर्फ टॉप्स है, जहां पर लेगिंग्स है वहां पर लेगिंग्स है, डेली वेयर को मैंने वैसे ही दूसरी साइड में रखा हुआ है और कुर्तीज को मैंने सिर्फ कुर्तीज रखी हुई है। तो बेसिकली ऐसे रखने से कुछ भी चीज़ें आपकी मिक्सअप नहीं होती है, तो जब भी आप जो इजीली ढूंढो वो आपको मिल जाएगी और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी रहेगी आपकी सामान। तो यही था मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, होप कि आपको ये अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहेगा ही मैं सोच रही हूँ। ट्राई करूंगी मैंने जितनी भी बॉक्सेस या ऑर्गेनाइजर यूज किया है उन सबकी अगर मुझे लिंक मिलेगी तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की और अगर कुछ आपको वीडियोस देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उन सबके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।